दोस्तों, इंडियन सिनेमा में ऐसी बहुत सारी फिल्में आई हैं जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा तारीफ हासिल की हैं और उन फिल्मों को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है और उनका कलेक्शन भी वहाँ से बहुत अच्छा आया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जो इंडिया में तो सुपरहिट हुई ही, पर साथ में वह फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर 8, आवारा। इस फिल्म को राज कपूर ने डायरेक्ट किया था और यह इंडिया की पहली ऐसी फिल्म बनी थी जिसने रशिया में बहुत ज्यादा तगड़ी कमाई की थी। यह फिल्म इंडिया में जितनी नहीं चली उससे ज्यादा इस फिल्म ने रशिया में पैसे कमाए थे। इस फिल्म ने रशिया में 7 करोड़ रुपए कमाए थे, जो अगर इस समय के हिसाब से जोड़े जाए तो 700 से 800 करोड़ रुपए के बराबर होते हैं और इस फिल्म का गाना मैं आवारा हूँ बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। नंबर 7, हिंदी मीडियम। यह एक सोशल कॉमेडी फिल्म थी जिसके अंदर इरफान खान ने बहुत ही कमाल का काम किया था और इस फिल्म ने लोगों को इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट किया था। इसीलिए यह फिल्म इंडिया में तो एक सुपरहिट रही, पर साथ में जब इस फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया तो यह फिल्म वहां पर भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और 230 करोड़ का कलेक्शन किया और इस फिल्म का बजट केवल 14 करोड़ रुपए था। नंबर 6, बाहुबली 2। बाहुबली द बिगिनिंग की सक्सेस के बाद इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा और उसी सवाल के जवाब ने इस फिल्म को एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म बना दिया और इस फिल्म ने यूएसए और चाइना में भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया था और यह फिल्म ओवरसीज मार्केट में बहुत अच्छी चली थी। नंबर 5, अंधाधुन। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी जिसने इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, पर साथ में जब इस फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया तो वहां पर भी इस फिल्म का सस्पेंस वहां के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और इसकी ओपन एंडिंग भी बहुत अच्छी लगी, इसीलिए इस फिल्म ने वहां भी 300 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। नंबर 4, सीक्रेट सुपरस्टार। यह एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी जिसके अंदर एक ऐसी लड़की की कहानी बताई जाती है जो एक सिंगर बनना चाहती है और उसी के अराउंड यह पूरी फिल्म घूमती है। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ में आमिर खान इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे और इस फिल्म ने इंडिया में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, पर साथ में जब इस फिल्म को चाइना में रिलीज किया गया तो इस फिल्म ने वहां 750 करोड़ का कलेक्शन किया और यह एक वहां पर सुपरहिट फिल्म साबित हुई। नंबर 3, ट्रिपल आर। SS राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक फिल्म के पीछे बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और पूरी रिसर्च के बाद उस फिल्म को बनाते हैं और उनकी फिल्में हमेशा माइंड ब्लोइंग रहती हैं और उन्हीं की फिल्म ट्रिपल आर ने इंडिया में तो बहुत अच्छा कलेक्शन किया ही, पर साथ में जब इस फिल्म को अमेरिका में रिलीज किया गया तो इसने वहां भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया और यह फिल्म इंडिया के लिए एक ओस्कर भी लेकर आई और जब इसका सेकंड पार्ट रिलीज होगा तो वह दुनिया में तहलका मचा देगा। नंबर 2, पठान। शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग इंडिया में तो है ही, पर साथ में वह दूसरे देशों में भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए उनकी फिल्म दूसरे देशों में बहुत ज्यादा चलती है और जब शाहरुख खान की 4 साल बाद आई पठान फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया तो इंडिया में इसने बहुत अच्छा कलेक्शन किया, पर यह ओवरसीज मार्केट में भी बहुत ज्यादा चली। पठान फिल्म 1000 करोड़ कलेक्शन कर चुकी है और इसने ओवरसीज में 350 करोड़ का कलेक्शन किया है। नंबर 1, दंगल। आमिर खान इंडिया से ज्यादा चाइना में पॉपुलर है, इसीलिए जब उनकी फिल्म चाइना के अंदर रिलीज होती है तो वहां पर वह ब्लॉकबस्टर साबित होती है। आमिर खान की जितनी भी फिल्म चाइना में रिलीज हुई है वह सभी ज्यादा सक्सेसफुल रही है, इसीलिए जब आमिर खान की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म दंगल को चाइना में रिलीज किया गया तो यह वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट लड़कियों की फाइट के अराउंड था, इसीलिए इस फिल्म ने चाइना से 1200 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, यह है वह फिल्में जो इंडिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, पर साथ में इन्होंने इंडिया से ज्यादा दूसरे देशों में पैसा कमाया। और अगर आपको भी कोई ऐसी फिल्म के बारे में पता हो तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा।